था ना आप सबसे कि 8:30 बजे मेरी बारात आने वाली होगी। आ गई बारात दुल्हन को लेकर। अरे भाई जल्दी से कोई वरमाला मंगवाओ। भाई तो शांति रख जरा पोपटलाल। अजय देवगन, अजय देवगन, अजय देवगन, अजय देवगन, अजय देवगन, अजय देवगन, अरे तो अजय देवगन जी मेरे लिए दुल्हन ढूंढ कर लाए। सोनाक्षी सिन्हा, मेरी दुल्हन के रूप में सोनाक्षी सिन्हा। भाई तो शांति रख भाई। बापूजी क्या है, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब। हाँ। सोड़ी, ये तो अजय देवगन जी है ना। हाँ हाँ, हूँ सनफ सरदार। अच्छा अच्छा, तो तमे छो एक गुजराती सनफ सरदार। और सनफ सरदार के गर्लफ्रेंड यानी सोनाक्षी बहन आप? तो आपने मुझे फोन किया था सोनाक्षी बहन? क्या जेठा भाई, आपको फोन पे भी बोला था बहन जी मत करो प्लीज, मुझे बहन जी मत बुलाओ वरना आपको भी बोलना पड़ेगा खामोश। सॉरी सॉरी, ओके। माँ बाप का संस्कार ही ऐसे मिले हैं ना बचपन से कि मुंह से बहन ही निकलता है। सोनाक्षी जी बस ये ठीक है। बापूजी मतलब आपको सोनाक्षी बहन और अजय भाई ने किडनैप किया था? उतरी हाँ। मतलब अजय जी सबको 8:30 बजे तैयार होकर कंपाउंड में आने का इन्विटेशन भी आपने दिया था और ये सोसाइटी में डेकोरेशन भी आपने करवाया? जी हाँ सेक्रेटरी साहब। लेकिन अजय भाई, सोनाक्षी बहन, सोनाक्षी जी, आप लोगों ने मेरे बापूजी को किडनैप क्यों किया था? और हाँ, ये सोसाइटी क्यों डेकोरेट करवाई? हाँ, और हम सबको 8:30 बजे क्यों बुलाया था? अरे ये बैंड बाजी के साथ पूरी बारात लेकर आए, इसका कारण क्या है? अरे बस बस बस, आप गोकुलधाम वासी तो सब फटाके की फुलझड़ी हो, एक फूटे लगा तो सब फटने लगते हो। ओ मैं फूटता नहीं हूँ, मैं फोड़ता हूँ। सही बात है। एक काम करो, सब अपने अपने सवाल मुझे कागज पे लिख के दे दो, मैं लिखकर जवाब दे दूंगा। अजय भाई, प्रश्न पत्र तैयार करने का काम भिड़े भाई का है, एक में हो सेक्रेटरी का। हाँ भिड़े भाई, एक काम कीजिए, एक पेपर पे सारे सवाल लिखकर इन्हें दे दीजिए। अच्छा रुको रुको, अजय सर मस्ती कर रहे हैं। सोनाक्षी जी, अजय भाई, हम सबको 8:30 बजे तैयार होके
यहाँ क्यों बुलाया आपने? अब तो सस्पेंस खोल दीजिए प्लीज। आगे ना सब तैयार हो के मस्त अप टू डेट है ना। अब तो बता दीजिए प्लीज प्लीज। बताता हूँ। पहले मुझे ये बताइए कि गोकुलधाम में खुशी के मौके पर सबसे पहले क्या होता है? गोकुलधाम में सबसे ज्यादा हम लोग गरबा खेलते हैं। और सोडी प्रा आप क्या करते हैं? मैं तो अपनी सोनी रोशन को खूब सारा प्यार मोहब्बत इश्क लव करता हूँ। क्या सुनिए? कहीं बोलवा नहीं बात छे? वो बोलना नहीं बात तो छे। आई लव यू। और हाथी भाई आप? मैं तो बस मिठाई पकवान मेवा खा के मस्त हो जाता हूँ। और टप्पू सेना? हम लोग ढेर सारी मस्ती करते हैं। छोटी छोटी बातों पे सेलिब्रेशन करने वाले गोकुलधाम वासी हो, आज के दिन आप लोग अपना इतना बड़ा अचीवमेंट भूल गए? क्या बोले? अच्छी जा क्या? कच्ची भी आती है इनको? अच्छी जा क्या? गुजराती कच्ची। जेठालाल अचीवमेंट उपलब्धि। ओ क्या मना कौन सा? सॉरी। अरे चुप क्यों हो, जवाब दो। आज तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। नहीं फिर से सेलिब्रेशन, अभी बजट नहीं है सोसाइटी का। अरे भाई तो गप्पा बस ने बापा, सोनाक्षी जी बोल रहे होना चाहिए, सेलिब्रेशन तो होना चाहिए, बराबर है? कैसे का कशा सेटिंग पर? माफ करना सोनाक्षी जी, अजय जी, एक्चुअली हम लोगों को ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या भूल गए। हाँ। अरे वाह क्या देख रहे हो, यहाँ देखो। दादाजी क्या है ये? तू याद कर क्या है ये? एक हजार। मतलब 1000 बार तो फोड़ोगे? 1000 इटली सो? वो पुलिस को कांटेक्ट करने का नंबर चेंज हो गया? रोशन ये 1000 का क्या मतलब है टप्पू के पापा? शायद ये तोप 1000 साल पुरानी होगी। नहीं 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 जेठालाल, इसका मतलब है इन्होंने 1000 लड़कों को देखने के बाद मुझे फाइनल किया है। अरे ये पागल हो गया है। अभी भी नहीं समझे आप लोग? नहीं अब समझे। सब बबूचक है। क्या हजार हजार कर रहे हो? आप लोगों का सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 6 नवंबर को 1000 एपिसोड पूरे हो गए। गुड बॉय। व्हाट? क्या? ओहो हो यस। अरे ओहो यस। क्या? ओहो हो यस। अरे ओहो करेक्ट पूरे हो गए। इतनी बड़ी बात आप लोग भूल गए? अरे 1000 एपिसोड हो गए और हम लोग हमारी दुनिया में खोए रहे हैं। बोलो बोलो। डेली रूटीन में याद ही नहीं रहा। हाँ और टप्पू सेना के ध्यान में भी नहीं आया। अरे भाई अब तो हमें याद आ गया ना, अब वक्त आ गया कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद दें।
जाए।